Hello, students. I am Tiwari Sir, and you are watching recorded video lectures of Science 2 from Bright Skills Educator. Please watch my video and share this video to your friends. Dear students, in the previous lecture, you have seen evidences of evolution now in this lecture we are going to discuss about the darwin's theory of natural selection see on the basis of uh, ev evidences of evolution charles darwin had collected innumerable specimens of plants and animals and depending upon the observation of those specimens he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically, all the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. However, beside this, natural selection modifications essential for winning the competition. However, beside this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms. च आर फिट टू लिव एंड द रेस्ट पेरिस स्टूडेंट्स ध्यान से देखना डारविंस थीरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस का स्टेट करता है उनका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव फिटेस्ट विल सर्वाइव मीन्स जो ज़्यादा फिट है जो नेचर को सस्टेन कर सकता है जो नेचर को बेयर कर सकता है उसके जो एडवर्स कंडीशंस हैं उसमें वो जी सकता है वही सरवाइव होगा नहीं तो और बाकी जो रहेंगे वो पेरिस हो जाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो डेड हो जाएंगे तो ये डारविंस थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस नेचुरल सेलेक्शन मीन्स नेचर सेलेक्ट करता है किसको जीना है और किसको मर जाना है किसको अर्थ पे एग्जिस्टेंस में रहना है और किसको नहीं रहना है इट इज सेलेक्टेड बाय द नेचर उन्होंने अपने बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीस में ये पूरा डिटेल्स उन्होंने किया मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है कि मुझे आगे बढ़ना है मुझे आगे बढ़ना है जैसे सब में कंपटीशन होता है ठीक उसी तरह से उनमें भी कंपटीशन होता है किसको आगे बढ़ना है और किसको आगे नहीं बढ़ना है जो फिट है जो हेल्दी है जो एडवर्स कंडीशंस को सहन कर सकता है वो आगे बढ़ता है और जो ये सब चीज़ों को नहीं बेयर कर पाते वो क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पेरिस हो जाते हैं और ये सब प्रोसेस नेचर के द्वारा होता है ऑल दिस थिंग बाय द नेचर ओनली नेचर सेलेक्ट देम एंड दो विच आर नॉट सेलेक्टेड बाय द नेचर्स दे पेरिस दिस इज द डारविंस थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो फिटेस्ट एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रिप्रोडक्शन अब इस कंपटीशन में जो फिट रहता है जो सेलेक्ट हो जाता है वो क्या करता है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है मतलब अपने ही जैसे स्पीशीज़ को जन बर्थ देता है तो फिटेस्ट एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रिप्रोडक्शन अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है और अपने एग्जिस्टेंस को नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंटिन्यू करता है एंड गिव राइज टू द न्यू स्पीसीस इस तरह से नए स्पेसिस जनरेट होते हैं दिस इज द थियोरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स डार्विन समझ में आ गया नेचुरल सेलेक्शन सिंपल सा प्रिंसिपल है ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन देम एंड दिस कंपिटिशन इज जस्ट लाइक एनिमीज किसको जिंदा रहना है किसको मर जाना है इस तरह से उनके बीच कंपटीशन चलता रहता है और ये लाइफ थ्रिटेनिंग मैनर से होता है मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए दूसरे को सप्रेस करते हैं और उसके बाद जो फिट रहता है नेचर उसी को सेलेक्ट करता है और जो नेचर द्वारा द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं दोस्त विच आर सेलेक्टेड बाय द नेचरस दे

नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्यूशन डॉस ने क्या बताया इवॉल्यूशन में सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल रहा है बट इट इज नॉट ट्रू नेल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्यूशन ओके सेकेंड थिंग था डॉर्विन का जो फेल हुआ वो था डार डिड नॉट मैंशन ओनली एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन मतलब जो भी नेचर में एग्जिस्ट हुए जनरेशन बाय जनरेशन उनमें जो यूजलेस और मॉडिफ यूजफुल जो मॉडिफिकेशन हुए वो कैसे हुए क्यों हुए इट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय द डार्विन सो डार्विन फेल टू एक्सप्लेन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस और जो थर्ड थिंग था देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस मतलब जो स्लो चेंजेस हो रहे थे क्योंकि देखो ये प्रोसेस क्रोर्स ऑफ ईयर्स में हुए ये जो स्लो चेंजेस थे और अब्रप्ट चेंजेस थे इसको डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए ठीक है ना इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शंस डारविन वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन क्योंकि इसके बाद डार्विन के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट इससे नया कोई लॉ नया कोई थियोरी नहीं प्रपोज कर पाया इसलिए डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन जो था वो एक माइल्ड की तरह हुआ मीन्स स्टिल इट इज फॉलोड बाई द साइंटिस्ट दिस इज द डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन यू अंडरस्टूड दिस यू जस्ट नोट डाउन इट प्रॉपरली आई एम फोकसिंग इट हियर दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ डारविंस थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन क्लियर after darwin's theory of natural selection jean baptiste lamarck proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism he called this concept as principle of यूज और डिस यूज ऑफ ऑर्गन तो ये लेमार्किजम था लेमार्किज्म कौन लेकर आया जेन बैप्टाइज लेमार्क उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो था वही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इट इज प्रपोज बाय द लेमार्क जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थे मीन शेप में अपियरेंस में साइज में दे आर द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेज ठीक है ना उन्होंने जो प्रोड्यूस किया ले ने ऑन द बेसिस ऑफ लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गन जो भी ऑर्गेनिज्म से उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और कौन से यूज नहीं हो रहे हैं यूज अ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं और कौन से ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ही एक्सप्लेन दैट बिकॉज उन्होंने एग्जाम्पल लिया किसका जिराफ का नेक ऑफ जीराफ बिकॉज द लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टॉल बिकम्स लॉन्ग जो जिराफ का जो नेक था पहले क्या था बहुत छोटा था लेकिन जैसे जैसे पेड़ की पत्तियाँ नीचे थी तो नीचे से वो ले लेता था खा लेता था लेकिन जब पेड़ की पत्तियाँ और ऊपर होती गई मीन्स दे वेन दे स्टार्ट ब्राउजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टाल प्लांट्स तो इन दिस एफर्ट्स उनकी नेक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा नेक उनको स्ट्रेच करना पड़ता था नेक स्ट्रेच करने के कारण धीरे 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 उनका क्रोर्स ऑफ ईयर्स में मीन सेवरल जनरेशन्स में उनका नेक क्या हो गया लेंदी हो गया सीन दिस डायग्राम, पहले जनरेशन्स में ऐसा था आफ्टर सम जनरेशंस जिराफ का नेक थोड़ा और एक्सटेंड हो गया स्ट्रेच हो गया जब लीव्स थोड़ा और ऊपर गए तो आफ्टर मेनी जनरेश नेक ऑफ जिराफ एक्सटेंडेड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किजम एन अदर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्मोल्डर्स ऑफ आयन स्मिथ आयन स्मिथ मीन्स जो लुहार होता है वो क्या करता है वो अपने काम में क्या करता है कंटिन्यूस हैमरिंग करता रहता है हैमरिंग के कारण जो उसके शोल्डर्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांग हो, हो जाते हैं उनके मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पर्सन शोल्डर्स ऑफ आयन स्मिथ बिकम वेरी स्ट्रांग दिस इज़ अनादर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म देखो बाकी लोग के जो शोल्डर्स होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देम प्रॉपरली दे आर नॉट यूजिंग देम रेगुलरली बट जो आयन स्मिथ होता है वो हैमरिंग के कारण बार बार उसको आयन्स के जो टूल्स बनाए जाते हैं आयन के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं वो हीट करके एकदम उसको रीसेप करने के लिए हैमर करना पड़ता है उसको तो हैमरिंग करने के कारण उसके जो शोल्डर्स के मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं तो शोल्डर्स ऑफ आयन स्मिथ शोल्डर्स ऑफ आयन स्मिथ बिकम्स वेरी स्ट्रांग ड्यू टू तो फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स अब उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है लेमार्किज्म का विंग्स ऑफ ऑस्ट्रेस एन एमू

not in use so wings of ostrich became very weak due to no use this is an example of lamarckism and another example of lamarckism is legs of swan and duck you must have seen the swan and ducks why what is the use of legs of swan and duck their legs are used for swimming so they became useful for swimming due to living in water ऑल यू नो देट स्वान एंड डग जो रहते हैं वो पानी में रहते हैं और वो कंटिन्यू स्विम करते रहते हैं तो उनके जो लेग्स हैं स्विमिंग में यूज होते हैं इस तरह से उनके लेग्स काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हैं एनदर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्गनिजम इन स्नैक्स स्नेक्स हमने देखा होगा उनको पैर नहीं होते वाई इट हैपेंड लॉस देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट बरोइंग हैबिट बिल बनाने में जमीन पे चलने में जिसके कारण क्या हो गया उनके जो लेग्स क्या हो गए धीरे धीरे डिसपियर हो गए सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किजम एंड फॉर द लेमार्किज्मीज आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनादर जनरेशन दिज आर एक्वायर्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मीन्स जो खुद से ऑप्टेन किए गए हैं खुद से अक्वायर किए गए हैं विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेसन टू अनादर जनरेसन फ्रॉम दैट जनरेसन टू नेक्स्ट जनरेसन अकॉर्डिंगली आफ्टर मीनी जनरेसन्स एज पर यूज और नॉट इन यूज ऑफ देयर बॉडी ऑर्गन्स दे बिकेम यूजफुल और नॉट यूजफुल एंड स्लोली

you completely browse this one see carefully these are the examples of lamarckism so you can prepare your own, own notes about lamarckism students now we are going to discuss about the human evolution द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन्ज बीन सेट टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस टॉपिक जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी थी वो स्टार्ट कैसे हुई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी सोन एज पर दिक्चर गिवन बिलो अभी आप एक पिक्चर देखेंगे उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा डिटेल्स दिया गया है कैसे इवॉल्व हुए यू कैन सी दिस पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो सी द पिक्चर स्टूडेंट्स दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन सो वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक यू मस्ट हैव ओपन दिस पिक्चर एंड योर बुक शुड बी ओपन सी दिस इज द जर्नी ऑफ ह्यूमन see all stages are explained here first second third fourth fifth sixth seventh eighth and ninth stage even still evolution is going on let us discuss about this picture students a very first thing in the human evolution let us discuss since beginning after unicellular organism multicellular organisms are produced and from multicellular organisms some complex organisms are produced and due course of time a huge animal dinosaur was existed came in existence and after course of years that dinosaur disappeared and it is believed that Around 7 crores years ago, dinosaur was in existence and then because of some atmospheric condition, they disappeared. After dinosaur, monkey-like animals are said to be evolved. Monkey-like animals said to be evolved and tail of monkey-like animal, you can see in the diagram. There is a tail-like structure in monkey. First one, see that. Around seven crores years ago in the first diagram. This one. Monkey-like animals were was evolved around seven crores years ago, and it has a tail also. After dinosaur, this animal came in existence. It, it is not a monkey, but monkey-like animal. Understood? And students, this tail is also disappeared. See there. टेल ऑफ मंकी लाइक एनिमल डिस अबाउट फोर क्रोर्स ईयर एगो मतलब सेवन क्रोअ ईयर एगो में जब डायनासोर डिसपियर हुआ तो मंकी लाइक एनिमल हुआ जिसको टेल्स थे उसके बाद सेवन क्रोर्स से थ्री क्रोर्स ईयर्स एगो तक मतलब थ्री क्रोर्स ईयर्स तक धीरे 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 मंकी का जो टेल लाइक स्ट्रक्चर था वो डिसपियर हो गया तो टेल ऑफ मंकी लाइक एनिमल डिस अबाउट फोर क्रोर्स ईयर्स एगो राइट उसके बाद क्या हुआ वो जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उनका जब टेल्स रिसेपियर हो गया तो उनके हैंड्स इम्प्रूव हुए जो उनके हैंड्स इम्प्रूव हुए उनका ब्रेन डेवलप हुआ ब्रेन और बड़ा हो गया और इस तरह से एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व्ड तो एग्जिस्टेंस में एप लाइक एनिमल्स आए लाइक एनिमल्स -like जो थे सबसे पहले वो कहाँ पे वो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंचे लाइक एनिमल्स रीज टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया और वहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में जो लाइक एनिमल -like थे वो उनसे कौन इवॉल्व हुआ इन टू गिबॉन एंड ऑर गुटन दे आर द नेमड ऑफ दोज एनिमल्स इवॉल्ड इन टू गिबॉन्स एंड ऑरन गुटन और इसी तरह के मतलब ये तो जो थे एप्लाइक एनिमल ये कहाँ पर थे साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में थे लेकिन कुछ एप्लाइक एनिमल्स थे वो अफ्रीका में ही रुक गए मतलब कुछ तो अफ्रीका में ही रह गए जो अफ्रीका में थे ऐपलाइक एनिमल उनसे गोरेला एंड चिमपेजी का इवोल्यूशन हुआ उनसे किसका इवोल्यूशन हुआ गोरेला एंड चिम्पेन्जी और गोरे एंड चैम्पेजी का इवोल्यूशन अराउंड टू पॉइंट फोर मतलब धीरे 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 इवोल्यूशन हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है उनसे गोरे एंड चैम्पेन्जी का इवोल्यूशन हुआ राइट इनकी स्पेशलिटी थी क्या दे यूज देयर हैंड्स फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क जो गोरे एंड चैम्पेन्जी थे ये अपने हैंड्स का यूज किस लिए करते थे ईटिंग फूड्स एंड अदर वर्क के लिए करते थे उसके बाद में स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड पहले क्या करते थे पेड़ों पे रहते थे हर जगह रहते थे तो पेड़ों से ये नीचे आ गए दे केम डाउन एंड स्टार्टेड लिविंग ऑन द लैंड इट इज लैंड दे स्टार्टेड लिविंग ऑन द लैंड और जो उनका लुम्बर बोन था लुम्बर बोन मीन्स बैक साइड बैक बोन वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया और जब उनका बैकबोन डेवलप स्टार्ट हो गया तो पहले तो वो एकदम नीचे से चलते थे झुक के चलते थे एकदम लीन होके चलते थे बट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोजिशन मीन्स अब वो अपने पैरों पे इरेक्ट पोजिशन में खड़ा होना शुरू हो गए यू कैन सी इन द डायग्राम देखो यहां पे दे स्टार्टेड इन इरेक्ट पोजिशन देखो इरेक्ट पोजिशन है इनका देखो प्रॉपरली इरेक्ट पोजिशन पे है ये समझ में आ गया दे इन इरेक्ट पोजिशन और उसके बाद में फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ इरेक्ट पोस्टर्स वेयर केम इन टू एग्जिस्टेंस अबाउंट टू क्रोअर्सर्स एगो मतलब ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो थे जो इरेक्ट पोस्टर में थे उनका एग्जिस्टेंस कभी हुआ अराउंड टू क्रोर्स इंस अगो हुआ दे आर ह्यूमन लाइक एनिमल्स ह्यूमन लाइक एनिमल्स में थे रेम्पिथिकस फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका दे केम इन एग्जिस्टेंस इन वन क्रोर्स ईयर ए गो एंड एप ऑफ साउथ अफ्रीका एप ऑफ साउथ अफ्रीका दे डेवलप्ड एंड मोर इंटेलिजेंट जो साउथ अफ्रीकन एप्स थे वो ज्यादा डेवलप्ड थे और ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो जब एग्जिस्टेंस में कब आए दे केम इन टू एग्जिस्टेंस अबाउट फोर्टी लैक्स ईयर से गो देखो अब जब इसके बाद हो गया ना तो जो इवोल्यूशन का प्रोसेस था वो और फास्ट हो गया पहले कितना लग रहा था सेवन क्रोर्स ईयर से गो फिर फोर क्रोर्स आ गया फिर से टू पॉइंट फाइव क्रोर्स ईयर से गो में गोरेला और चैम्पेजी एवॉल्व हुए फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने हैंड्स का यूज़ करने लगे ईटिंग के लिए और अदर वर्कस के लिए फिर वो पेड़ों से उतर के ज़मीन पर आ गए दे आर स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड जब लैंड पे रहने लगे तो उनका लुम्बर बोन डेवलप हुआ बैक बोन डेवलप हुआ जब उनका बैक बोन डेवलप हुआ तो वो इरेक्ट पोस्चर्स में खड़े होने लगे दे स्टार्टेड टू स्टैंड ऑन इरेक्ट पोस्चर्स और उसके बाद जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक -like एनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज केम तो इन टू एक्जिस्टेंस अबाउट टू करोरस ईयर से गो एंड इन दैट वन अराउंड वन क्रोर्स ईयर से गो देर वॉज ए ह्यूमन लाइक एनिमल कॉल्ड एज रैम्पेथिकस फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और उसके बाद में अराउंड फोर्टी लैक्स ईयर्स अगो साउथ अफ्रीकन एप्स डेवलप हुए इन साउथ अफ्रीकन जिस दे हैव डेवलप्ड ब्रेन दे आर इंटेलिजेंट दे आर एबल टू डू सम अदर वर्क दे आर एबल टू थिंक एंड दे आर एबल टू डिसाइड सर्टन थिंग ओके आफ्टर द साउथ अफ्रीकन एप्स मेंबर ऑफ जीनस होमो मीन्स स्किल्ड मैन होमो मीन्स स्किल्ड मैन केम इंटू एग्जिस्टेंस स्किल्ड ह्यूमन्स स्किल्ड ह्यूमन्स दे केम इंटू एग्जिस्टेंस अबाउट ट्वेंटी लैक्स ईयर्स एगो फिफ्टी लैक्स ईयर्स एगो था उनका अब फोर्टी लैक्स ईयर्स एगो पे साउथ अफ्रीकन ऐप्स आए थे उसके बाद में साउथ अफ्रीकन ऐप्स से होमोजीनस के जो स्किल्ड ह्यूमस थे दे केम इन टू एग्जिस्टेंस अराउंड ट्वेंटी लैक्स ईयर्स एगो राइट And, जो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोजिशन उसके बाद ह्यूमस आए जो इरेक्ट पोजिशन में चल फिर सकते थे ह्यूमन्स वॉकिंग इन इरेक्ट पोजिशन केम इन टू एग्जिस्टेंस अराउंड फिफ्टीन लैक्स ईयर्स एगो एंड एट दैट टाइम दे डिस्कवर्ड फायर एट दैट टाइम दे डिसकवर्ड फायर एंड अराउंड फिफ्टी थाउजेंड्स ईयर्स एगो अराउंड fifty thousand years ago wise men came into existence they have developed brain they have developed brain and they are called as homo sapiens and they are called as homo sapiens students here you can see they started in erect uh, position they started walking and their brain enlarged and developed their brain enlarged and developed as i explained students the first wise man with developed brain came about 50000 years ago and they are called as homo sapiens and from homo sapiens around 50000 years ago another wise man came into existence they are called as neanderthal man they are called as neanderthal man and cro magnon man and cro magnon man and again from due course of time these wise men these wise men started practicing agriculture started प्रैक्टिसिंग एग्री एग्रीकल्चर मीन्स जब ये वाइजमैन हुए तो पहले अपना क्या करते थे हंटिंग करते थे फिशिंग करते थे उसके बाद में अराउंड टेन थाउजेंड ई ईयर से गो दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर्स खेती करने लगे ठीक है एंड एज देयर ब्रेन डेवलप्ड दे स्टार्टेड एंड डेवलप्ड आर्ट ऑफ राइटिंग अराउंड फाइव थाउजेंड ई ईयर से गो तो अब धीरे धीरे देखो मैंस में डेवलप हो रहा है उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है उनका थिंकिंग लेवल बढ़ रहा है तो पहले उन्होंने फायर का डिस्कवरी किया अराउंड वन लैक्स ईयर से गो उसके बाद में होमोसेपियंस आए अराउंड फिफ्टी थाउजेंड ईयर से गो उसके बाद में फर्स्ट वाइज मैन उसी टाइम पर आया दे आर निंडरथल मैन एंड एंड क्रोमैगन मैन स्टूडेंट्स सो so, We are doing that discovery of a man. So, as I told you, around uh, 50,000 years ago, wise men with developed brain came into existence and they are called as Homo sapiens. They are called as Homo sapiens. They came into existence around 50,000 years ago. And the first wise man was called as man, and क्रू मैगन मैन दे ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस अराउंड फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स एगो एंड आफ्टर दैट प्रिवियसली देव ऑलरेडी डिस्कवर्ड फायर सो अबाउट टेन थाउजेंड ईयर्स एगो दे स्टार्टड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर उन्होंने पहले क्या करते थे वो हंटिंग वगैरह करते थे फूड के लिए फिशिंग करते थे बट अराउंड टेन थाउजेंड ई ईयर एगो इन्होंने क्या किया एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे उनका ब्रांड डेवलप होता गया उन्होंने आर्ट कल्चर्स क्राफ्ट ये सब चीज़ें डेवलप करनी शुरू कर दी एंड अराउंड फाइव थाउजेंड ई एगो दे स्टार्टेड एंड डेवलप्ड आर्ट ऑफ राइटिंग दे स्टार्टेड राइटिंग दैट इज़ वाई वी कैन हैव हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड रिटन हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड एंड द मॉडर्न साइंस ही अब धीरे धीरे उनका ब्रेंड डेवलप होते गया ब्रेन जब डेवलप हो गया तो अराउंड 400 हंड्रेड ईयर्स अगो जो नया मॉडर्न साइंस है वो डेवलप हुआ मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ जब मॉडर्न साइंस डेवलप हुए तो नए नए इन्वेंशंस होने शुरू हो गए नए नए चीज़ें रिसर्च होनी शुरू हो गई और इस तरह से अराउंड 200 हंड्रेड ईयर्स अगो इंडस्ट्रियल सोसाइटी इस्टैब्लिश हुई अराउंड 200 हंड्रेड ईयर्स एगो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज इस्टैब्लिश्ड एंड आफ्टर दैट this process is goes on continuously till today this is the evolution of human man understood and in this way your lesson is finished